दोस्तों मैटर क्या है? एक छोटा सा एटम या फिर एक बड़ा सा स्टार या फिर उससे बनी हुई गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, ट्रीज, यहाँ तक कि ह्यूमंस यानी कि हम भी मैटर का ही हिस्सा हैं। और ये सभी मैटर जो हम देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, ये हमारे ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के कुल 5% हिस्से से भी कम है। तो फिर बाकी का 95% हिस्सा कहाँ है और क्या है? तो शायद आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि ये 95% हिस्सा, जिसमें से 25% डार्क मैटर है और 70% डार्क एनर्जी है, ये ब्रह्मांड में चारों ओर फैला है और यही ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज़ है। मतलब कि जो भी हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, असल में वो हमारे चारों ओर मौजूद रियलिटी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। और जो इसका मेन हिस्सा है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में है, और हम नहीं जानते कि वो क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये मौजूद है। तो आइए अब बात करते हैं डार्क मैटर के बारे में और जानते हैं कि अब तक हमने इसके बारे में क्या क्या पता लगाया है। डार्क मैटर वो चीज़ है जिसने गैलेक्सीज यानी कि आकाशगंगा के एग्जिस्टेंस को पॉसिबल बनाया है। जब भी हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड जैसा हमें दिखाई देता है असल में वैसा क्यों है, तब हमें ये बात समझ आता है कि ये सिर्फ सादा यानी कि नॉर्मल मैटर जो कि हमें दिखाई देता है सिर्फ वही नहीं हो सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि इस मैटर की ताकत, शक्ति या फिर यूं कहें कि इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स गैलेक्सीज की रचना कर सके। मतलब कि ग्रेविटी अकेले कभी भी तारों को पास पास रख के गैलेक्सीज नहीं बना सकती, और अगर ऐसा होता तो ब्रह्मांड में गैलेक्सीज नहीं सिर्फ दूर दूर मौजूद तारे होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो ऐसा है जो इन सब के बीच मौजूद है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता, कुछ ऐसा जो छुपा हुआ है। अब सबके दिमाग में एक ही बात आती है कि अगर ये छिपा हुआ है तो इसका पता कैसे चला? तो असल में ये पॉसिबल हुआ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड डार्क एरिया से जो कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। मतलब कि ब्रह्मांड के उस हिस्से से जहाँ पर सब अंधकार में डूबा है, क्योंकि जब साइंटिस्ट उसकी स्टडी कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि वो हिस्सा अपने पास से गुजरने वाले प्रकाश यानी कि लाइट को बैंड कर देता है और कहीं और मोड़ देता है, यानी कि वो अपने आर पार लाइट को नहीं जाने दे रहा था, वो लाइट को किसी और दिशा में मोड़ रहा था। मतलब कि जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस अंधेरी जगह पर कुछ तो ऐसी चीज मौजूद है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, और चूंकि वो प्रकाश को डाइवर्ट कर देता है तो वो ग्रेविटी से जुड़ा है और बहुत ही ताकतवर है। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक की हमारी डार्क मैटर के बारे में जानकारी बहुत ही लिमिटेड है, और हम इस वक्त डार्क मैटर क्या हो सकता है से ज़्यादा इस बात को जानते हैं कि डार्क मैटर क्या नहीं हो सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ थ्योरीज को। तो अब बात करते हैं इससे जुड़ी पहली थ्योरी के बारे में कि डार्क मैटर नॉर्मल मैटर क्यों नहीं हो सकता है। तो इसका रीज़न यह है कि नॉर्मल मैटर पार्टिकल्स एमिट करता है, जैसे कि लाइट पार्टिकल्स जो कि उन पर गिरकर रिफ्लेक्ट होते हैं और नॉर्मल मैटर हमें दिखाई देता है, लेकिन डार्क मैटर के साथ ये नहीं होता है क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब कि डार्क मैटर नॉर्मल मैटर नहीं हो सकता है। अब बात आती है कि क्या डार्क मैटर एंटी मैटर हो सकता है? एंटी मैटर ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि नॉर्मल मैटर से जस्ट अपोजिट बिहेव करते हैं, लेकिन एंटी मैटर स्पेशल गामा रेज को एमिट करते हैं, लेकिन डार्क मैटर के साथ ये भी नहीं होता है। इसका मतलब कि डार्क मैटर एंटी मैटर भी नहीं हो सकता है। अब बात आती है कि क्या डार्क मैटर ब्लैक होल्स हो सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ब्लैक होल्स एक निश्चित एरिया में ही अपना इफेक्ट डालते हैं, जबकि डार्क मैटर चारों ओर फैला है ब्रह्मांड में हर तरफ। तो कुल मिलाकर जो हम जानते हैं वो ये है कि कुछ तो है जो ग्रेविटी से जुड़ा है और चारों ओर फैला है, पर हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इन सब के बावजूद डार्क मैटर के बारे में कई खोजें हुई हैं, जैसे कि 1929 में एडवर्ड हबल ने पाया
कि वो गैलेक्सीज जो हमसे दूरी पर स्थित हैं, उन गैलेक्सीज से निकली लाइट हम तक पहुंचते पहुंचते लाइट स्पेक्ट्रम के रेड कलर की ओर शिफ्ट हो जाती हैं, जो कि रेड शिफ्ट की घटना कहलाती है। लेकिन हमारे पास में स्थित गैलेक्सीज के साथ ये रेड शिफ्ट की घटना बहुत ही कम थी, जिससे हबल ने ये साबित किया कि यूनिवर्स कंटिन्यूसली फैलता जा रहा है। और रिसेंट स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि यूनिवर्स के फैलने की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि पहले ऐसा माना गया था कि ग्रेविटी की वजह से यूनिवर्स के फैलने की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन बजाय धीरे होने के ये स्पीड बढ़ गई, जो कि स्पष्ट रूप से प्रमाण था कि एक ऐसी ताकत है जो कि ग्रेविटी से ज़्यादा शक्तिशाली है, और ये समय के साथ और ज़्यादा पावरफुल बनती जा रही है। अब बात करते हैं डार्क एनर्जी के बारे में। तो ऐसा माना जा रहा है कि डार्क एनर्जी कोई चीज़ या वस्तु नहीं है, ये सिर्फ स्पेस की एक प्रॉपर्टी है, और ये एनर्जी स्पेस में हर खाली जगह में मौजूद है। जैसे जैसे स्पेस फैलता जा रहा है, डार्क एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्पेस की हर खाली जगह डार्क एनर्जी से भरी है। और ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन की 1917 में दी गई थ्योरी कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट से बिल्कुल मेल खाती है, जिसमें ऐसे फोर्स यानी कि बल का जिक्र था जो ग्रेविटी को अपोज करता है। और दूसरी थ्योरी के अनुसार स्पेस टेम्प्रेरी पार्टिकल से बना है जो लगातार बनते और नष्ट होते रहते हैं, और इनसे बनने वाली एनर्जी डार्क एनर्जी कहलाती है। या फिर डार्क एनर्जी किसी अननोन तरह के डायनेमिक एनर्जी पार्टिकल से बनी एक अदृश्य फील्ड है जो कि पूरे यूनिवर्स में फैला है, लेकिन किसी तरह से ये नॉर्मल मैटर से अपोजिट बिहेव करता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं? आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कुल मिलाकर हमारी जानकारी अभी तक बहुत ही सीमित है, बहुत ही लिमिटेड है, और आज भी ऐसे बहुत से सवाल मौजूद हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने बाकी हैं। और ब्रह्मांड आज भी कई राज अपने अंदर छुपाए हुए बैठा है, जो कि अपने ढूंढे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं।